वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस जेसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द रेनबो पोएम, या क्लास 3 का पोएम है। वैसे तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्लास में दिया हुआ, यह बहुत ही स्वीट पोएम है और यह बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यह पोएम द रेनबो, रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष, आप सभी जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, रेनबो इज सीन इन द स्काई, कि रेनबो जो है आकाश में दिखाई देता है। हाउ मैनी कलर्स कैन बी सीन इन ये रेनबो, कि एक रेनबो में कितने कलर दिखाई जा सकते हैं, दिखाई देते हैं। लेट्स लिसन, रीड एंड एंजॉय, तो चलिए सुनते हैं, पढ़ते हैं और आनंद मनाते हैं। बहुत छोटा सा पोएम है लेकिन बहुत ही सुंदर है ये पोएम। बर्ड्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दीज। कहता है बर्ड्स सेल ऑन द रिवर्स, कि जो नाव है वो नदियों पर चलते हैं या तैरते हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो जहाज हैं वो समुद्र में चलते हैं। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल आकाश में तैरते हैं या उमड़ते हैं, यार प्रीटियर फार देन दीज, वे इन सभी से बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, प्रीटी मतलब सुंदर होता है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट होता है, इसी प्रकार प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट होता है। तो यहाँ तुलना किया गया है किससे, बोट से, है ना, जो कि नदियों में चल रहे हैं, और सीप से, जो कि समुद्र में चल रहे हैं। उनसे जो बादल हैं, जो आकाश में हैं, वो ज़्यादा सुंदर हैं। इन दोनों से ज़्यादा सुंदर हैं जो बादल आकाश में हैं। नेक्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ते हैं। There are breezes on the rivers as pretty as you please, but the bow that breezes the heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. Now one by one हम लोग देखते हैं। There are breezes on the rivers, कि rivers में ब्रीज होते हैं, पुल होते हैं, as pretty as you please, जितना आपको पसंद होता है, जिससे आप खुश होते हैं, उतना वो सुंदर होता है। बट द बो दैट ब्रीजेस द हेवन, लेकिन एक ऐसा धनुष है ना, जो कि एक ब्रीज की तरह दिखता है, जो कि स्वर्ग में होता है, हेवन मींस स्वर्ग, या ओवर टॉप्स द ट्रीज, जो कि पेड़ों के काफी ऊपर होता है। एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जो कि धरती से आकाश तक एक रोड बनाता है, एक मार्ग बनाता है। इज प्रीटियर फार देन दीज, और ये जो है इन सभी से सुंदर है ना, जो हम पुल बनाते हैं उनसे काफी सुंदर है। और ये पोएम लिखा गया था क्रिस्टिना रोसेटी के द्वारा, बहुत ही सुंदर पोएम है। अब इसके कुछ हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लास 3 का जो 8 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से मैंने 8 यूनिट तक का पोएम और स्टोरी सभी को कवर किया अपने वीडियो में। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, क्लास 3 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जा करके आप सभी वीडियोस को जो है आप देख सकते हैं और सारा कुछ डिटेल में समझ सकते हैं। क्लास 3 के बच्चों के साथ साथ यह उन सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, या उन सभी गार्जियन के लिए आवश्यक है जो कि इंग्लिश जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पहला अर्थ है रेनबो, रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष। फिर है क्लाउड्स, क्लाउड्स मीन्स बादल, हेवन मीन्स स्वर्ग, अर्थ मीन्स पृथ्वी, प्रीटी मीन्स सुंदर, और ओवरटॉप मीन्स ऊपर। तो अब इसका कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। वाट सेल्स ऑन द रिवर, रिवर में क्या तैरते हैं, वाट सेल्स ऑन रिवर, तो बोट सेल्स ऑन रिवर, यहाँ वाट के जगह पर सिर्फ हम लिख देंगे बोट, बोट सेल्स ऑन द रिवर, कि नदियों में नाव चलते हैं। वाट सेल्स ऑन द सी, सी में क्या चलते हैं, समुद्र में क्या चलते हैं, तो वाट के जगह सीप दे देंगे,
शिप सेल्स ऑन द सी, कि समुद्र में जहाज चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्हाट आर बिल्ट ओवर द रिवर्स, कि रिवर के ऊपर में क्या बना हुआ है, तो ब्रिजेस बना हुआ है, पुल बना हुआ है, तो यहाँ ब्रिजेस लिख देंगे, व्हाट के जगह पर क्या लिख देंगे, ब्रिजेस, ब्रिजेस आर बिल्ट ओवर द रिवर्स। चौथा प्रश्न है कि व्हाट बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, कि किसने धरती से आकाश तक एक रोड बनाया है, तो रेनबो ने, है ना, रेनबो ने, ठीक है। तो ये तो हो गया जो पहला सेट था इसका। आप सभी पोएम को अच्छी तरह से याद करेंगे और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप वॉइस के माध्यम से आप वॉइस मैसेज भेजेंगे या तो अपने मन से याद करके उसको लिख करके सेंड करेंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, उसमें आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो लेट्स टॉक, व्हिच थिंग्स डू यू फाइंड प्रीटी, कि तुम्हें कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, जैसे आई फाइंड द फ्लावर प्रीटी, प्रीटी कि मैं, मुझे फूल बहुत सुंदर लगते हैं, या तो फूल मुझे सुंदर लगते हैं, और उसके जगह पर हम चेंज कर सकते हैं कि आई फाइंड द ड्रेस प्रीटी, आई फाइंड द बेबी प्रीटी, आई फाइंड द डॉल प्रीटी, आई फाइंड द रेनबो प्रीटी, इस प्रकार आप वर्ड लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स इनसर्कल द ऑड वर्ड, इसमें जो वर्ड अलग है उसको हमें पहचानना है और उसको सर्कल बनाना है। जैसे यहाँ है बॉट, सीप और ट्री, तो यहाँ ट्री अलग हो जाएगा क्योंकि ट्री लिविंग थिंग्स है, बॉट और सीप दोनों वाहन है। फिर है आपका रोड, क्लाउड, ब्रिज, रोड और क्लाउड, ब्रिज, रोड और ब्रिज दोनों जो है धरती से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्लाउड हम दे सकते हैं, यहाँ क्लाउड। तीसरा है टेबल, स्काई, अर्थ, टेबल, स्काई, अर्थ, यहाँ एक अलग सेंस में आ रहा है टेबल, इसको टेबल में हम सर्कल कर सकते हैं। वैसे आप अपने से भी उत्तर लिख के मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है या तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप भेज सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आप कविता को याद कीजिए, ठीक है, और कविता को याद करके इसको भरी, ठीक है, भर के मेरे व्हाट्सएप में कमेंट करेंगे, जिसका कमेंट अच्छा होगा उसके उसे मैं एक अच्छा सरप्राइज दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से बता दूं कि क्लास 3 के लगभग 14 से 15 वीडियो बने हुए हैं और यूनिट 8 तक पूरा कंप्लीट है, आप इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।